So let's solve one more example on the concept of graph. अब यहाँ पे एक basic example दिया है मैंने. अब यहाँ पे देखते हैं इस question में क्या पूछा हुआ है. So just pause the video and try to solve this question by yourself, and then play the video. अब यहाँ पे दिया हुआ velocity time graph from 0 to 14 seconds, and यहाँ पे पूछा हुआ average velocity and the average speed of the particle. अब यहाँ पे मुझे बताओ average velocity पूछा हुआ है. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो डेल्टा एस बाय टोटल टाइम डेल्टा टी विल गिव मी माय एवरेज वेलोसिटी. सिमिलरली फॉर एवरेज स्पीड इट इज टोटल डिस्टेंस. सो आई विल जस्ट राइट पुट डेल्टा एस बार एंड इसका मॉड. और यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस माई डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टी डेल्टा टी. अब ये मुझे कैलकुलेट करना है. यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे एसटी ग्राफ को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. तो आपको याद होगा तो मैंने कंसेप्ट में बताया था कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अब यहां पे आप देखोगे यहां पे अब पार्टिकल आगे जा रहा है क्योंकि इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, बढ़ रहा है. इसके बाद वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. देन ये पार्टिकल यहां पर डीएक्सेलरेट कर रहा है और टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड्स पे पार्टिकल का वेलोसिटी वापस जीरो हो रहा है और इसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 टू 14 सेकंड्स में कम हो रहा है लेकिन डिस्टेंस हर बार बढ़ता है. तो यहां पे इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है. सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स मी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अब इसको मुझे यूज करना है. अब यहां पे आप देखोगे तो मुझे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यहां पे निकालना है. अब यहां पे आप देखोगे तो ये ट्रेपेजियम हो गया. अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूं ओ ए बी सी डी एन ई. तो जो ट्रेपेजियम ओ ए बी सी है इसका एरिया कितना है. सो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है. अब यहां पे होगा हाफ इंटू ओ सी प्लस ए बी इन टू हाइट विच इज लेट्स से दिस हाइट हियर इज आई कैन राइट 20. सो हाइट हियर इज 20. अब यहां पे आप देखोगे हाफ इन टू ओ सी कितना है, ओ सी इज 10 प्लस ए बी इज 2 इन टू 20. तो मुझे यहां पे मिलेगा 10 प्लस 12, 12 इन टू 10 इट इज 120. तो यहां पे मुझे आएगा 120. सो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज 120 एंड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, दिस स्मॉल ट्रायंगल इट इज सी ई डी विच इज हाफ इनटू बेस. नाउ द बेस हियर विच इज सी डी एंड द हाइट हियर इज अगेन 10. सो हाइट इज 10, तो हाफ इनटू बेस विच इज 4 इनटू 10. तो यहां पे आएगा 20. So now the area of this particular graph is 20. अब यहाँ पे मुझे एक fact use करना है. For the average velocity, I need displacement. अब यहाँ पे particle का displacement जो है वो कम हो रहा है तो ये area उसके लिए negative होगा. So now 120 minus 20. So my displacement vector का magnitude is 120 minus 20 which is 100. And delta t is 14 सेकेंड्स क्योंकि 14 सेकेंड्स उसको लगा. तो यहां पे मेरा आंसर आएगा माय एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 बाय 14 विच इज 50 बाय 7 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज वेलोसिटी आई विल राइट दिस. फॉर एवरेज स्पीड आई विल सिंपली राइट वी एवरेज विच इज माय एवरेज स्पीड एंड इट इज टोटल डिस्टेंस. अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अब यहां पे टोटल डिस्टेंस होगा 120 प्लस 20 तो मेरा आएगा 140 डिवाइड बाय टोटल टाइम इट इज 14. तो कितना मिला मुझे, यहां पे मिला मुझे 10. तो इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड. तो यहां पे इसका आंसर है 50 बाय 7 मीटर पर सेकंड और यहां एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड. अब यहां पे मेरे आंसर्स है. अब यहां पे मैंने कौन सा फैक्ट यूज किया कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स मी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट.